रामपुर शहर में नशा देकर अकेली महिलाओं से लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लूटने वाले का हुलिया जानकारी में आने के बाद भी पुलिस अभी तक बदमाश को नहीं पकड़ पा रही है। पुलिस की ढिलाई के चलते अब फिर दो महिलाओं को नशा देकर लूट लिया गया। दोनों महिलाएं दवा लेने प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक पर आई थी। जहर खुरानी का शिकार हुई महिलाएं पटवाई थाना क्षेत्र के महमूदपुर गाँव की मिथिलेश देवी और राजवती है। दोनों महिलाएं सुबह शौकत रोड स्थित डॉक्टर वीवी शर्मा के क्लिनिक पर आई थीं। यहां प्रत्येक रविवार को बरेली से त्वचा रोग विशेषज्ञ आकर बैठते हैं। मरीजों की बेहद भीड़ थी, उनका नंबर आने में देर थी, जिस पर दोनों महिलाएं सड़क किनारे एक बंद दुकान के बाहर बैठ गईं। इसी दौरान उनके पास एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि वो क्लिनिक से आया है, डॉक्टर ने गोली खाने के लिए दी है, अभी दोनों एक एक गोली खा लो, इससे आपको आराम मिलेगा और जब नंबर आएगा तो डॉक्टर को दिखा देना। दोनों महिलाओं ने दवाएं खा ली, दवा खाने के बाद दोनों ही बेहोश हो गई। घटना पे हम वर्कआउट करने का कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। तो मेरा आम लोगों से और यहाँ के जितने भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ, करूँगा आपके माध्यम से, कि भाई किसी के बहकावे में ना आए, किसी की दी हुई दवाई ना खाएं, किसी के दिया हुआ सामान ना खाएं। कोई आदमी आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है तो उसके बहलाए फुसलाए में ना आए, उसके दी हुई चीज़ को कोई भी इस्तेमाल ना। बदमाश उनके कुंडल पायल और 5,000 रुपये लेकर फरार हो गया। कुछ ही देर में मिथिलेश देवी का बेटा सोनू आया, उसने लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उसने बताया कि मां ने थोड़ा होश आने पर बताया कि दवा के नाम पर नशा देने वाला व्यक्ति करीब 40 साल के आसपास रहा होगा, वो छोटे कद का सांवले रंग का था। मम्मी और वो आंटी सुबह सुबह 6:30 बजे करीब घर से निकली, घर से निकली थी पर्चा लगाने के लिए, पर्चा लगाने के लिए भी बोल रही थी, मतलब 9 बजे करीब बात हुई थी हमारी, तो बोली थी कि मेरा नंबर आने वाला है, 12वां नंबर है। वहाँ पे पहुँची तो नंबर आ चुका था, पास में उन्होंने डॉक्टर बोला जो नीचे तो पास में बोला यहाँ बैठ जाओ, किसी ने आके उनके साथ उन्हें टैबलेट दी, पता नहीं क्या दिया वहाँ जाके। गौरतलब है कि इससे पहले भी आधा दर्जन महिलाओं को इसी हुलिये का व्यक्ति नशीली गोली खिलाकर लूट चुका है। ये बदमाश दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले बाजार में घटनाओं को अंजाम देता है। घटना के समय आसपास के लोग सब कुछ देखते हैं, लेकिन मदद के लिए आगे कोई नहीं आता। घटना के बाद जब पुलिस आती है तो सारी जानकारी देते हैं। पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी मिल गई है, इस हुलिये के बदमाश को पकड़ने के लिए टीमें बना दी गई हैं, जल्द ही बदमाश को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। एनीवन न्यूज के लिए रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट।